30,000 का कोई आदमी रियलमी का फोन लेगा तो लोग गांव मोहल्ले के कहेंगे कि ये रियलमी का तो फोन है, और 30,000 में अगर कोई आदमी वन प्लस का फोन लेता है तो आई बेटा ओकरा पास वन प्लस के फोन हो। Realme GT Master Edition with sheer speed and master design. तो क्या हाल है आपका? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि Realme ने एक नया फोन लॉन्च होने वाला है कुछ दिन में, जिसका नाम है Realme GT 5G Master Editing। इतना लंबा नाम। और इस फोन के लास्ट में जो मास्टर एडिटिंग है वो पता है किस लिए? क्योंकि इस फोन का ये घटिया सा लुक देने के लिए ये बहुत मेहनत किए हैं, मास्टर लोग से सलाह लिए हैं, इसीलिए इसका नाम है मास्टर एडिटिंग। अबे ये लुक तो वन प्लस का एक साल पहले आ गया था, ये सेम लुक जिसको रियलमी वाले आजकल मास्टर एडिटिंग का नाम दे रहे हैं। या फिर वन प्लस तो दूर की बात हो गई, आप रेडमी के 10,000 का फोन ही देख लो, रेडमी 9 पावर को, इसका ऐसा लुक है। इसमें रियलमी वालों ने बस नीचे का ये वाला फ्लश लाइट को हटा के, फ्लश लाइट यहाँ पर जो डीप कैमरा है वहाँ पर फ्लश लाइट लगा दिए हैं और हो गया रियलमी का GT 5G। तालियां। इस फोन का जो सबसे मेन विशेषता है वो है यह 5G। जी हाँ, इसमें डुअल सिम स्लॉट है और दोनों 5G को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी 5G इंडिया में तो आया ही नहीं है, 5G लेके आदमी करेगा क्या? इस फोन में 5G तो है, उसके बाद इस फोन का जो प्रोसेसर दिया गया है वो है स्नैपड्रैगन का 778, जो कि 5G प्रोसेसर है। ये भी अच्छी बात है। इस फोन में 3 कैमरा सेटअप दिया गया है, 3 कैमरा, एक है 64 MP, दूसरा है 8 और तीसरा का है 2 MP का। और इस फोन का पीछे से लुक देखा जाए तो ये बहुत ही प्रीमियम लगता है, ऐसा कंपनी वाले का कहना है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ ना लगता है। आए फोन का डिस्प्ले की बात किया जाए तो वो 3.43 इंच का डिस्प्ले है, जो कि सुपर एम्बुलेट के साथ फुल HD प्लस का है, और इसमें 4300 mAh का बैटरी दिया गया है और उसके साथ 65 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। और फास्ट चार्जिंग ऐसा है कि कंपनी वालों का कहना है कि ये 35 से 40 मिनट में आपके फोन को 0 से 100 कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें 4300 mAh का दिया गया है, आजकल कंपनी 7000 mAh का बैटरी दे देते हैं, लेकिन इसमें 4300 का क्यों दिया गया है? क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग है। वाह, चलो यहाँ तक तो सब बात ठीक है। और इसमें आप अपना मनहूस चेहरा लेके घूमते हो, मेरा मतलब है कि आपके मासूम चेहरे के लिए इसमें 32 MP का आगे फ्रंट सेल्फी दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, जो कि और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। और इसमें 2 वेरिएंट दिया गया है, एक है 8 GB रैम और एक तो 128 GB इंटरनल,
और दूसरा है 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल, मतलब दोनों 8 GB वाला ही है, 6 GB भी नहीं है और दोनों 8 GB है। और जो 8 GB और 128 GB है उसका दाम है 27,999 लगभग 28, और जो 256 GB वाला है उसका दाम है 29,999 लगभग 30,000। तो अब आप ये बताओ कि 30,000 में ये घटिया फोन कौन खरीदेगा? जो खरीदेगा वो तो दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया ही होगा जो खरीदेगा। अबे इससे तो अच्छा वन प्लस वाले 25,000 में 5G फोन दे रहे हैं, वो भी 12 GB रैम वाले। 30,000 में तो वन प्लस का 12 GB और 256 GB वाला रैम आ जाएगा फोन। और ये रियलमी का कौन लेगा फोन 30,000, इतना महंगा फोन? अगर ये फोन में सारा कुछ सही है, अगर इसका दाम 20,000 से 22,000 होता तो मैं इसे आपको रिकमेंड करता कि ये फोन आप ले लो, लेकिन 30,000, अबे तेरे बाप का अबे जमीन बेच के लेंगे ये फोन को क्या? इतना महंगा फोन है 30,000, कौन लेता है ऐसा फोन? इससे तो अच्छा वन प्लस वाले इससे सस्ता में और अच्छा चीज दे रहे हैं। अगर आपका बजट है 25,000 से 30,000 और आप सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा फोन ले, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला फोन बिल्कुल भी ना ले, बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि इस फोन में जो जो कुछ दिया हुआ है वो सब तो 12,000 से 15,000 के फोन में सारा कुछ दिया है, बस इसमें 5G प्रोसेसर है और तो कुछ है ना, कुछ नहीं है। जो कि 12,000 से 15,000 के फोन में खुलेआम बिकता है वही है। और 30,000 इसका कंपनी ले क्यों रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? 32 MP फ्रंट कैम है और 64 MP बैक कैम है, और बस इसमें जो स्नैपड्रैगन दिया है, पता नहीं किस चीज का पैसा ले रहे हैं। इसमें बस स्नैपड्रैगन दिया है 778G का, जो कि हल्का गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, गेमिंग के लिए अच्छा फोन है, लेकिन इसका तो बैटरी बैकअप फिर मार खा जाएगा। 4,300 mAh का बैटरी है जो कितना बैकअप देगा, गेम खेलोगे तो फुल HD प्लस दिन भर ऑन रहेगा, कितना बैकअप देगा ये फोन? उसके बाद अगर आपके पास इतना पैसा है तो मैं आपको फुल रिकमेंड करूंगा वन प्लस का नॉर्ड लेने के लिए, जो कि वही फोन का कॉपी किए हैं ये रियलमी वाले। 30,000 का कोई आदमी रियलमी का फोन लेगा तो लोग गांव मोहल्ले के कहेंगे कि ये रियलमी का तो फोन है। 30,000 में अगर कोई आदमी वन प्लस का फोन लेता है तो आई बेटा ओकरा पास वन प्लस के फोन हो। चलो बस आज के लिए काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वो जो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन है उसमें वन प्लस फेंक के मारो या रियलमी, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।